वो सही ही कहते हैं, दोस्ती करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल। आज एक बार फिर लकी अपनी दोस्त भूमिका के बुलाने पर आ तो गया, लेकिन वो शायद अभी भी उसे अपना दोस्त मानने से कतराती है। उसने लकी को यहाँ सिर्फ अपने पॉम पॉम्स को साफ करने के लिए बुलाया था। लकी को बुरा लगा, पर इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जरूरी चीज चल रही थी, क्या कोयल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, क्या उस तक हेल्प पहुंची या नहीं। ये है लकी और ये है उसकी कहानी। शायद लकी अपनी चिंता में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अदिति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे देख लकी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ गया। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, बस हो गया, लगता तो नहीं है देख के। पर अदिति मानने वालों में से कहां थी। उसने लकी के सामने पड़े हुए पॉम पॉम्स के ढेर को देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे लकी की चोरी पकड़ी गई। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि लकी का काम हुआ नहीं था, उसे और टाइम लगेगा और वो सच में उसकी मदद करना चाहती थी। लकी के लाख मना करने के बाद भी अदिति ने पॉम पॉम उठा ही लिए, पर तभी वहाँ अदिति की दोस्त भूमिका आ गई। अरे ये तुम क्या कर रही हो, चलो। वो मैंने सोचा लकी तुम अभी भी ये कर रहे हो, कितना स्लो काम करते हो यार, चलो ये सब छोड़ो, हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आ जाना, ठीक है, चलो। अदिति की भूमिका के सामने एक ना चली, आखिर उसे वहां से उठकर जाना ही पड़ा। भूमिका फोन पर बात कर रही थी पर अदिति बार बार लकी की तरफ पलट कर देख रही थी, मानो कि उसे सही में लकी की चिंता हो। पर भूमिका के सामने आज तक किसकी चली है। लकी भी सब काम छोड़कर उनके लिए कॉफी लेने चला गया। वापस से लकी के दिमाग को एक मौका मिल गया कोयल और उसके बारे में सोचने का। लकी ने सोचा पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, वहां वो लायंस ग्रुप और यहां पर ये भूमिका और उसका ग्रुप, सबने परेशान करके रखा है। टायर्स की आवाज सुन लकी का दिल जोर जोर से चलने लगा। कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। कहीं ना कहीं लकी डर गया था और उसी डर की वजह से सारी कॉफी उस कार पर ही गिर गई। गलती लकी की नहीं थी, पर कार में से जब ईशान निकला तो सारी गलतियों का ठीकरा लकी पर ही फोड़ दिया। अंधा है क्या लकी, देखकर चल नहीं सकता, मरने का शौक चढ़ा तुझे हा? ये देख, तूने मेरी गाड़ी पर कॉफी गिरा दी। अबे तू जानता है कितनी महंगी गाड़ी है मेरी, तू जानता है। परेशानियां कभी समय देखकर नहीं आती, पर लकी की जिंदगी में तो परेशानी और बेइज्जती दोनों वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। लकी ईशान को सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा था और वो थी कि वो रॉन्ग साइड पर, वो भी पार्किंग के अंदर, इतनी तेज कार नहीं चला सकता है। पर सब कुछ घूम फिर कर लकी की औकात पे आ जाता है। इतने में भूमिका और अदिति वहाँ भाग कर आए। भूमिका ने ईशान को समझाया या ये बोले कि लकी को थोड़ा और बेइज्जत किया। उसने लकी को कपड़ा लाकर कार साफ करने को बोला। लकी और लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए लकी चुपचाप वहां से निकल गया। लकी कपड़ा लेकर जब गाड़ी साफ कर रहा था, उसे उसका नाम सुनाई दिया। उसे यकीन हुआ कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहे थे। लकी को भी ले चले, वो भी तो हमारा फ्रेंड है ना। लकी जैसे लोग इतने महंगे रेस्टोरेंट और इतनी महंगी गाड़ियों में नहीं जाते। मतलब तुम्हें क्या लगता है वो ये सब अफोर्ड कर सकता? बट आई थिंक भूमिका इज राइट, लकी जैसा इंसान को अगर हम साथ में ले गए तो बहुत एम्बैरेसिंग फील होगा, और अगर हम उसे साथ ले गए तो मुझे बहुत लोग जानते हैं वहाँ पे, तो किसी ने भी मुझे लकी के साथ देख लिया ना तो बहुत ही शर्म वाली फीलिंग आएगी। तो एक काम करते हम लकी को ना कॉलेज से कैंटीन में पार्टी दे देंगे। लकी ने उनकी बातें सुन ली थी। वो लोग इस नई कार के सेलिब्रेशन के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और उसके बाद दिल्ली दरबार में डिनर करने। वो लकी को नहीं ले जाना चाहते थे, पर वो लकी को इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब लकी की औकात के बाहर। वो जैसे ही पलट कर लकी को देखते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते। अदिति के चेहरे पर एक गिल्ट था। वो लोग सब कार में बैठकर वहां से चले गए, पर अदिति की नजरें सिर्फ लकी को ही देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी और साफ दिख रहा था कि उसे लकी के लिए बुरा लग रहा था। तभी लकी का फोन बजता है। वो जैसे ही उसे निकालता है तो अमित का नाम देख उसे थोड़ी टेंशन होती है, पर वो लकी को एक खुशखबरी देता है। कोयल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम लकी के लिए आ खड़ी हुई। वो थी कोयल की पार्टी। अमित उसे कोयल की पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा था। वो जानता है कि कोयल लकी को पसंद नहीं करती, पर लकी अमित को भी मना नहीं कर सकता। अब लकी करे तो करे क्या। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर का ये फुल एपिसोड
डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।